हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफिस की तरफ से। पोस्ट ऑफिस GDS की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस GDS जॉब 2024 में ऑफिशियली अपडेट निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी आपको 14,000 दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन किया गया है किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कब तक एप्लीकेशन चलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 15 जून 2024 इज़ द लास्ट डेट। उससे पहले आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी सारे जानकारी दिया गया है, एक एक करके उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं आज की पूरा वीडियो, जहां पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में इस बार की सबसे बड़ी जो भर्ती है GDS की रिक्रूटमेंट, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने की बहुत बड़ी एक मौका है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते, बहुत सारी पोस्ट निकल के आया है। ग्रामीण डाक सेवक के अलावा ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एंड डाक सेवक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मौका है। ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एंड डाक सेवक की इस बार की सबसे बड़ी भर्ती निकल के आया है, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। अप्रॉक्स 20,000 के आसपास वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एंड ब्रांच पोस्टमास्टर के जो सैलरी है 12,000 से 29,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए 20,000 से 24,000, डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवक की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। GDS की इस पोस्ट के लिए सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और 10th पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश। दोस्तों अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के साथ साथ जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। 18 से 40 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट हैं अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, 18 से 40 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC ST वालों को 5 ईयर्स, OBC वालों को 3 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडियन पोस्ट GDS की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, डेफिनेटली इसको आपको ध्यान में रखिएगा। जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको देखना। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस जब आपको देना पड़ेगा, इसको भी आप लोग चेकआउट कर लेना। हर बार की तरह जो ऑफिशियल लिंक है एप्लीकेशन करने के लिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के थ्रू और मेरिट लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।